हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास नाइन्थ ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 21 से आपको बताएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है प्रूव द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 21 के दो पार्ट दिए हुए हैं, दोनों को क्या करना है, आपस में प्रूफ करना है। प्रूफ का मतलब क्या होता है कि जो LHS होगा वो RHS के बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर होगा राइट हैंड साइड के। ओके अच्छा, यहां पर देखिए दिया है a प्लस बी की पावर माइनस वन एक ब्रैकेट में, फिर बीच में कोई सा साइन नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, बीच में इंटू का साइन होगा। दूसरा ब्रैकेट क्या कह रहा है, ए की पावर माइनस वन प्लस बी की पावर माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी के बराबर प्रूफ करना है। मतलब हम LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हमको सॉल्व के आखिर में जो पर्टिकुलर आंसर होगा वो RHS मिल जाएगा। ओके तो देखिए ये बहुत आसान है। देखिए a प्लस बी की पावर माइनस वन, जहाँ पे भी पावर नेगेटिव हो जाती है तो हमारा पहला काम ये होता है कि जो भी आपको एंटिटी दी हुई है उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ a प्लस बी दिया है लेकिन पावर कितनी है, माइनस वन, यानी नेगेटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन वन कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन हो गया। अगले स्टेप में जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नेगेटिव पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। उसी तरीके से इसको भी करेंगे, a अपॉन वन कर देंगे इसको, ठीक है, इसको कर देंगे b अपॉन वन, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा रहे हैं, इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखेंगे, इसको हम लिख लेंगे वन अपॉन ए प्लस बी, तो ये पावर माइनस वन से क्या हो जाएगी, ये पावर माइनस वन से वन हो जाएगी, ठीक है। वन पावर हम अमूमन लिखते नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। बीच में कोई सा साइन नहीं, मतलब इंटू का, इंटू को हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा वन अपॉन ए, जब इसको रेसिप्रोकल किया तो नेगेटिव पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, वन हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। प्लस यहाँ पर लिख देंगे वन अपॉन बी। ओके अच्छा इसके बाद देखेंगे हो जाएगा वन अपॉन ए प्लस बी एज इट इज रहेगा। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा ए बी, ए बी को ए से डिवाइड करेंगे बचेगा बी, बी को उठा के वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी को उठा के वन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बी ही आएगा। उसी तरीके से ए बी को जब हम बी से डिवाइड करेंगे तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बचेगा, ए को उठा के वन से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, ए आएगा। या तो ऐसा समझ लीजिए इन दोनों का एलसीएम ए बी आ गया, बी को उठा के वन से मल्टीप्लाई कराया, ए को उठा के वन से मल्टीप्लाई कराया, ये भी एक तरीका है। लेकिन ये तरीका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, जहाँ पर ये दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। ओके अच्छा ए प्लस बी इंटू, यहाँ पर भी क्या है, चाहे बी प्लस ए कहिए चाहे ए प्लस बी कहिए, दोनों सेम है, तो बी प्लस ए से ए प्लस बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा आपको आंसर क्या बचा, वन इंटू, यहाँ पर क्या बचेगा, जाहिर सी बात है वन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, वन होगा, तो हो जाएगा वन इंटू वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन को उठा के जब हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और यही चीज़ क्या करनी थी आपको, प्रूव्ड करनी थी, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे था वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, ए बी का एलसीएम ए बी आ गया, ठीक है, ए और बी अलग अलग दिया है, इसका एलसीएम क्या आ गया, ए बी आ गया। बी को उठा के वन से मल्टीप्लाई कराया, ए को उठा के वन से मल्टीप्लाई कराया। सर ये तरीका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ये तरीका वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ये जो ये दोनों एंटिटी है इसका, ये दोनों नंबर आपस में क्या हो, को प्राइम हो। को प्राइम कहने का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे तो ऐसे नंबर होने चाहिए या ऐसे अल्फ़ाबेट होने चाहिए जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर थ्री और टू होता तो भी हम ये इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि थ्री और टू को भी सिर्फ वन ही डिवाइड करता है, वन के अलावा कोई डिवाइड नहीं करता है। ओके अच्छा फिलहाल ये बात हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वन अपॉन ए बी, ए प्लस बी है डॉट का मतलब इनटू, ये है बी प्लस ए, चाहे ए प्लस बी कहिए चाहे बी प्लस ए कहिए, बी प्लस ए से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, वन को वन से मल्टीप्लाई कराया वन आ गया, वन को ए बी से कराया ए बी आ गया, वन अपॉन ए बी इज इक्वल टू योर आंसर। और यह चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट देखेंगे, क्या कह रहा है हमसे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स की पावर वन y की पावर वन प्लस y की पावर वन z की पावर सॉरी माइनस वन है सब में प्लस z की पावर माइनस वन x की पावर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। फिर वही चीज़ LHS को सॉल्व करेंगे, RHS अपने आप आ जाएगा, देखिए कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन
एक्स की पावर माइनस वन वाई की पावर माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर माइनस वन, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे स्क्वायर की जगह पावर क्या है, माइनस वन है, तो हम एक्स वाई की पावर माइनस वन लिख दिया, ओके। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा वाई जेड की पावर माइनस वन प्लस जेड एक्स की पावर माइनस वन, ओके। अच्छा, इसके बाद देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, फिर वही चीज, पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो यानी एक्स वाई का फ्रैक्शन होना बनता है। फ्रैक्शन करेंगे कैसे बता देता हूँ, यहाँ पे अपॉन वन करके, ठीक है, अपॉन वन करके, अपॉन वन करके, फिर वही चीज़, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस वन से क्या हो जाएगी, प्लस वन हो जाएगी। इसको अब लिख लेंगे वन अपॉन एक्स वाई प्लस वन अपॉन वाई जेड प्लस वन अपॉन जेड एक्स, ओके। अच्छा, इसके बाद देखेंगे आप हमें क्या करना है, इसमें ऊपर वाला अनडिस्टर्ब रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड ही लिखेंगे उसको अपॉन, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा एक्स वाई जेड, कैसे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए तीन अल्फाबेट का इस्तेमाल हुआ है, इसमें एक्स वाई का हुआ, इसमें वाई जेड का हुआ, इसमें जेड एक्स का हुआ, यानी टोटल कितने अल्फाबेट है, तीन, एक्स वाई जेड। तो जहाँ कहीं भी इस तरीके से यानी दो दो का पेयर बना के रहता है, तो वहाँ पर दो दो का पेयर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे जेड एक्स है, तो वहाँ पर एलसीएम क्या आता है, आप हर अल्फाबेट को एक बार साथ में मिलाकर लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे होता है वन अपॉन पी क्यू प्लस वन अपॉन क्यू आर प्लस वन अपॉन आर पी, तो देखिए यहाँ पे दो का पेयर है, दो का पेयर है, दो का पेयर, यानी पी क्यू क्यू आर आर पी, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाता, पी क्यू आर हो जाता, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो जेड बचेगा, जेड को उठा के मन से मल्टीप्लाई कराए तो जेड आ गया, ओके। अच्छा, इसके बाद देखेंगे वाई जेड को जब एक्स वाई जेड से, सॉरी, एक्स वाई जेड को जब वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स, एक्स को उठा के मन से मल्टीप्लाई करा दिया प्लस एक्स वाई जेड को जब हम जेड एक्स से डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो क्या बचेगा, सिर्फ वाई बचेगा, एक्स वाई जेड को जब हम जेड एक्स से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ वाई बचेगा, वाई को उठा के वन से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बचा, वाई बचा। अच्छा, ये पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, तो पहले और तीसरे का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई जेड, इसको आप ब्रैकेट में रखिए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। नीचे क्या बचा है, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, चाहे एक्स प्लस जेड प्लस, चाहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहिए, चाहे जेड प्लस एक्स प्लस वाई के, दोनों क्या है, बात सेम है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपका आंसर क्या हुआ, एक्स वाई जेड, एंड हेंस प्रूव्ड, आपका जो एल एच एस है वो आर एच एस के बराबर हो गया है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका जो ये चीज़ दी हुई है ये क्या है, ट्रू है। स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रफ करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है, कहता है इफ ए इज इक्वल टू सी टू द पावर जेड कॉमा बी इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स एंड सी इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई, तो हमको प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट है वो वन के बराबर होगा, ओके। देखिए बहुत आसान है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन समझिएगा मेरी बात, क्या दिया है, देखिए ए इज इक्वल टू, समझिएगा मेरी बात, ठीक है ये बहुत आसान, बस आपको थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। ए इज इक्वल टू दिया है सी टू द पावर जेड, समझिएगा, ठीक है। अच्छा, C की जगह क्या दिया है, C इज इक्वल टू क्या दिया है, B टू द पावर Y, क्या दिया है, B टू द पावर Y, और बाहर क्या होगा, पावर Z होगी, समझिए मेरी बात। A इज इक्वल टू C टू द पावर Z दिया है, ये आपको गिवन है, मैंने लिख लिया, फिर मैंने C की जगह उठा के ये वाली वैल्यू रख दी, B टू द पावर Y, तो C की जगह B टू द पावर Y, और बाहर ऑलरेडी पावर कितनी दी हुई है, Z दी हुई है, ओके। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, A इज इक्वल टू
अब b की जगह उठा के हम ये वाली वैल्यू रख देंगे a टू द पावर x। अब b की जगह क्या रखेंगे a टू द पावर x, और बाहर ऑलरेडी पावर कितनी दी हुई है, बाहर ऑलरेडी पावर कितनी दी हुई है ज़रा समझिए, बाहर ऑलरेडी पावर दी हुई है y इंटू जेड। ओके अच्छा इसके बाद समझेंगे, a इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर x इंटू वाई इंटू जेड, क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। अच्छा यहाँ पर a की पावर कुछ नहीं दी, इसका मतलब क्या है, a की पावर बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, वन होती है, आप इसको वन लिख दीजिए। दोनों तरफ बेस सेम है, इक्वलिटी का साइन लगा है, ऐसा पॉसिबल कब होता है, ऐसा पॉसिबल एक ही शर्त पे हो सकता है जब दोनों की पावर भी क्या हो, सेम हो, तो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी क्वेश्चन में, प्रूव्ड करनी थी, हैंस हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से समझ लीजिए मैंने कैसे किया है, a इज इक्वल टू c टू द पावर z हमको गिवन है, हमने पहला स्टेप उसी को लिख लिया। अच्छा c की जगह हमने क्या रखा, c इज इक्वल टू कितना दिया है, b टू द पावर y, तो सिर्फ c की जगह हमने b टू द पावर y रख दिया, और z ऑलरेडी पावर दी हुई थी तो हमने इंटू z कर दिया। ओके अच्छा उसके बाद देखिए b की जगह हमने क्या रखा, a टू द पावर x, और ऑलरेडी बाहर पावर कितनी दी हुई है, y इंटू जेड, तो हो जाएगा a टू द पावर x इंटू ऑलरेडी बाहर पावर कितनी दी हुई थी, y इंटू जेड। इसको जब सॉल्व किया तो हो गया a टू द पावर x इंटू y इंटू जेड, क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। ए की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो बाई डिफॉल्ट कितनी होगी, वन होगी, ये आप सबको पता होना चाहिए, तो a टू द पावर वन हो गया। दोनों तरफ बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, ऐसा पॉसिबल कब होगा, ऐसा एक ही सेट पे पॉसिबल हो सकता है जब दोनों की पावर भी क्या हो, सेम हो, तो एक्स वाई जेड क्या हो गया, वन हो गया, हैंस प्रूफ, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है, कहता है इफ ए इज इक्वल टू एक्स y की पावर p माइनस वन कॉमा b इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर q माइनस वन एंड c इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर r माइनस वन, प्रूव दैट a की पावर q माइनस आर डॉट का मतलब इंटू b की पावर r माइनस p डॉट का मतलब इंटू c की पावर p माइनस q इज इक्वल टू वन। ये चीज़ क्या करनी है आपको, प्रूफ करनी है। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आपको प्रूफ क्या करना है, a की पावर q माइनस आर डॉट का मतलब इंटू b की पावर r माइनस पी डॉट c की पावर p माइनस क्यू इज इक्वल टू वन। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, a की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स वाई की पावर p माइनस वन, पुट कर दीजिए a की जगह क्या रखेंगे, एक्स वाई की पावर p माइनस वन, और ऑलरेडी बाहर पावर कितनी दी हुई है, समझिएगा मेरी बात, ऑलरेडी बाहर पावर कितनी दी हुई है, q माइनस आर डॉट, b की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स वाई की पावर q माइनस वन, और ऑलरेडी बाहर पावर कितनी दी हुई है, r माइनस पी डॉट, डॉट का मतलब इंटू, c की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स वाई की पावर r माइनस वन एक ब्रैकेट में, ऑलरेडी बाहर पावर कितनी दी हुई थी, p माइनस क्यू। ओके अच्छा ये हो जाएगा एक्स वाई की पावर, p को q से किया तो p q हो गया, p को r से किया तो माइनस पी आर हो गया, क्यों, p पॉजिटिव है r नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव हो जाता है, या प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है। ओके माइनस वन को q से करेंगे तो आएगा माइनस क्यू, माइनस वन को माइनस आर करेंगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस आर डॉट एक्स वाई की, एक्स वाई की पावर। अब देखिए क्यू को आर से करेंगे तो आ जाएगा क्यू आर, क्यू को पी से करेंगे सॉरी माइनस पी से तो आ जाएगा माइनस पी क्यू, माइनस वन को आर से करेंगे तो आएगा माइनस आर, माइनस वन को माइनस पी से करेंगे तो आएगा प्लस पी डॉट एक्स वाई की पावर, आर को पी से करेंगे तो आएगा आर पी, आर को क्यू से करेंगे माइनस क्यू से तो आएगा माइनस आर क्यू या माइनस क्यू आर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, माइनस वन को पी से करेंगे तो आएगा माइनस पी, माइनस वन को माइनस क्यू से करेंगे तो आएगा प्लस क्यू। ओके अच्छा इसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा एक्स, अब देखिए
तीनों में ही बेस क्या है, एक्स वाई है। तो हम क्या करेंगे, जो भी पावर लिखी हुई है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब क्या है कि पावर के एंटिटी का जो भी साइन है उसको हम उसी के साथ लिख देंगे पावर में। पावर की में जो दी हुई है, जो भी एंटिटी दी हुई है उसको हम उसी साइन के साथ लिख देंगे, लेकिन किसके पावर में, एक्स वाई की। एक्स वाई की पावर में हम इसी चीज़ को लिख देंगे लेकिन इसी के साइन के साथ, पी क्यू माइनस आर पी, आर पी कह दीजिए, पी आर कह दीजिए, बात सेम है, पी आर ही लिखिए वरना आप कन्फ्यूज़ होंगे। पी आर माइनस क्यू प्लस आर, पी हो जाएगा प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, फिर हो जाएगा प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ओके, अच्छा ये हो एक्स वाई की पावर में लिखा हुआ है, तो आप एक्स वाई को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। पी क्यू, पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल आउट, पी आर आर पी दोनों सेम है, ये माइनस में है ये प्लस में है, ख़त्म हो गया। सॉरी, माइनस क्यू प्लस क्यू ख़त्म, प्लस आर माइनस आर ख़त्म, क्यू आर आर क्यू प्लस माइनस में ख़त्म। अब देखिए प्लस पी माइनस पी ख़त्म, क्या आ गया, एक्स वाई की पावर जीरो। और किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो वो क्या हो जाता है, वो वन हो जाता है। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, तो आपका ये चीज़ प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, कि ये चीज़ आपकी किसके बराबर थी, वन के बराबर, और वन के बराबर आ गई। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है, कहता है इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3y, लिख दिया था ये होगा 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, देन प्रूव दैट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 0। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए सॉल्यूशन। अगर कहीं भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो जहां पर तीन एंटिटी क्या हो, आपस में बराबर हो, अगर आपको कहीं पे इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो जहां पर आपकी तीनों एंटिटी क्या हो, इक्वल हो, तो आप इस तीनों एंटिटी को कोई एक अननोन वेरिएबल के इक्वल में मान लेंगे। जैसे हमने यहां माना है कि ये तीनों ही एंटिटी क्या है, के बराबर है। ओके, इसको आप लेट करेंगे, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k। फिर 2 की पावर x को k के साथ इक्वेट करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x को हमें रिमूव करना है, हम क्या करेंगे, इधर 1 अपॉन x पावर करेंगे, और जब LHS में 1 अपॉन x पावर किया है तो k की पावर भी क्या करनी पड़ेगी, 1 अपॉन x करनी पड़ेगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k की पावर 1 अपॉन x। ओके, अच्छा इसके बाद समझिएगा 3 की पावर y को भी हम क्या करेंगे, k के साथ इक्वेट करेंगे। फिर वही चीज़, 3 की पावर y इंटू 1 अपॉन y कर देंगे, इधर भी हो जाएगा पावर 1 अपॉन y, y से y कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू क्या आया, k की पावर 1 अपॉन y। ठीक है, अच्छा इसके बाद समझेंगे 6 की पावर माइनस z को भी हम क्या करेंगे, k के साथ इक्वेट कर देंगे। अच्छा अच्छा इसको हम क्या करेंगे, पावर माइनस 1 अपॉन z करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है जब 6 की पावर में किया है यानी वो LHS में है, तो k की पावर में भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो RHS में है, हो जाएगा 1 अपॉन k की पावर 1 अपॉन माइनस z। ओके, माइनस z से माइनस z कैंसिल हो गया, 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, जाहिर सी बात है z के साथ माइनस है, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, उचक के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो k की पावर कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन z। ठीक है, नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में था, उड़ के ऊपर चला गया न्यूमरेटर में। ठीक है, ये सब तो आपको पता होगा। अब देखिए हमें ये तीनों चीज़ मिल गई है। ठीक है, अब समझिएगा मेरी बात, अब हम इसको उठाएंगे, 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर माइनस 1 अपॉन z। अब समझिएगा, ठीक है, 6 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है सर ब्रेक कैसे करेंगे, हाथों से नहीं दिमाग से, 2 3 3 1 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 इज इक्वल टू k की पावर माइनस 1 अपॉन z। ओके, अच्छा 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, k की पावर 1 अपॉन x इंटू 3 की जगह क्या लिखेंगे, k की पावर 1 अपॉन y इज इक्वल टू k की पावर
माइनस वन अपॉन जेड। अब समझिएगा मेरी बात, इन दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। पावर को क्या करेंगे, जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो और पावर डिफरेंट हो, तो क्या करते हैं, दोनों को पावर डिफरेंट हो या सेम हो, कुछ भी हो, अगर बेस सेम है, बीच में इनटू का साइन लगा है, तो बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं। तो के की पावर हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू के की पावर माइनस वन अपॉन जेड। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर है क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन लगा है, बेस भी सेम है, दोनों का ही बेस क्या है, के है, तो जाहिर सी बात है पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, तभी ये क्या होगा, पॉसिबल है कि एलएचएस और आरएचएस सेम हो। एक बार फिर से ये दोनों सेम है, कैसे सेम है सर, बीच में इक्वालिटी का साइन लगा है, इक्वालिटी का साइन का मतलब है कि एलएचएस आरएचएस बराबर है, दोनों का बेस भी सेम है, बेस क्या है सर, के है, के फॉर काइट। ऐसा पॉसिबल कब होगा, ऐसा एक ही शर्त पे पॉसिबल होगा, जब इन दोनों की पावर भी क्या हो, सेम हो, यानी वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई जो होगा वो इक्वल होगा माइनस वन अपॉन जेड के। ओके अच्छा, जब हम माइनस वन अपॉन जेड को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये अपना साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई, उस साइड नेगेटिव में है, इस साइड आएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। और मेरा ख्याल है आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी। ओके, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, ऊपर देख लीजिए, आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने कह रहा है, कहता है इफ टू की पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री की पावर वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व की पावर जेड, देन प्रूव दैट x इज इक्वल टू टू वाई जेड अपॉन वाई माइनस जेड। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए सॉल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, जब ये तीनों एंटिटी आपस में सेम दी हुई है तो इसको हम कोई एक अदर वेरिएबल के इक्वल में मान लेंगे, तो ये हो जाएगा टू की पावर x इज इक्वल टू थ्री की पावर y इज इक्वल टू ट्वेल्व की पावर z इज इक्वल टू k। ओके अच्छा, इसके बाद देखेंगे 2 की पावर x को हम k के इक्वल में मान लेंगे, यहाँ से पावर में x को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, इंटू वन अपॉन x को करेंगे मल्टीप्लाई पावर में ही, जब LHS में किया है तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k की पावर 1 अपॉन x। ओके अच्छा, उसी तरीके से 3 की पावर y को k के साथ डिनोट करेंगे, सॉरी इक्वेट करेंगे, फिर वही चीज़ पावर में y को हटाना है तो 1 अपॉन y से मल्टीप्लाई करेंगे, जब LHS में किया है तो RHS में भी करना पड़ेगा, k की पावर भी 1 अपॉन y को हमें रेज करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा, y से y कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू क्या आया, k की पावर 1 अपॉन y। अच्छा इसके बाद देखेंगे 12 की पावर z इज इक्वल टू k, फिर वही चीज़ 12 से z पावर को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, इंटू 1 अपॉन z कर देंगे, जब LHS में किया है तो RHS में भी हमको करना पड़ेगा, z से z को रिमूव किया, 12 इज इक्वल टू आ गया k की पावर 1 अपॉन z। ओके अच्छा, इसके बाद देखेंगे इस चीज़ को लेंगे, 12 इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन z। अब 12 को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, जिसको नहीं आता देख लीजिए LCM के जरिए करेंगे, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। ओके तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन z। ओके अच्छा, 2 की जगह क्या लिखेंगे, k की पावर 1 अपॉन x इंटू, फिर 2 की जगह क्या लिखेंगे, k की पावर 1 अपॉन x इंटू, फिर 3 की जगह क्या लिखेंगे, k की पावर 1 अपॉन y इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन z। तीनों में क्या है, बेस सेम है, तो ऐड हो जाएगा पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन z। ठीक है, इसके बाद देखेंगे थोड़ा कैसे करना है, मैं इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन x, 1 अपॉन x मिलकर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन z। ओके समझिए मेरी बात,
हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को, तो हो गया टू अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू के की पावर वन अपॉन जेड। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ दोनों मतलब इक्वल है, बेस भी सेम है। ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब इन दोनों की पावर भी क्या हो, सेम हो। तो क्या हो जाएगा, टू अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन जेड। ओके, अच्छा अब आप सिंपली क्या करेंगे, अब आप सिंपली एक्स वाई का एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स वाई ही आएगा। ठीक है, वाई को उठा के टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टू वाई, एक्स को उठा के वन से करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स सॉरी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन जेड। ओके, अच्छा इसके बाद देखेंगे। हाँ ठीक है, अभी तक तो सही जा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, हमको ये चीज़ देखते हुए करना है, ये नहीं कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये चीज़ आ जाए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई को उठा के वन से किया तो एक्स वाई ही आ गया, जेड को वाई से किया तो आ गया टू वाई जेड, जेड को एक्स से किया तो कितना आ गया, एक्स जेड। ओके, एक्स जेड को आप उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा टू वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। यहाँ से एक्स को कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, वाई माइनस जेड। ठीक है, ये आ जाएगा टू वाई जेड, वाई माइनस जेड जो है वो टू वाई जेड के अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। और मेरा ख्याल है आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी, एक बार ऊपर देख लेते हैं, प्रूव्ड। ठीक है, देखिए आपको क्या प्रूफ करना था कि एक्स इज इक्वल टू होगा टू वाई जेड अपॉन वाई माइनस जेड। ओके, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जब एक्स जेड को उधर भेजा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, उस साइड जाके नेगेटिव हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, एक्स आ रहा था, यहाँ से एक्स को हटाया वाई बचा, यहाँ से एक्स को हटाया जेड बचा, एक्स बीच में कोई साइन, इसका मतलब क्या है, इन टू का साइन है वाई माइनस जेड, जब जाहिर सी बात है वाई माइनस जेड इधर मल्टीप्लाई में है और जब टू वाई जेड के नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा यानी अपॉन में चला जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू टू वाई जेड अपॉन वाई माइनस जेड, और यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इन तीनों से ख़ास बात जो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा ख़ास है वो ये कि इस वीडियो को उन बच्चों तक, खासकर उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।